जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे। आपका सपना होगा कि भाई अब की बार तो हर हाल में हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अब की बार अच्छी खासी संख्या में सीट आई हैं और अब की बार एक बहुत ही सुनहरा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ज्योग्राफी से। तो ये सारा सब कुछ सोचकर आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। आपने बहुत सारी ऑथेंटिक बुक पढ़ दी होगी, एनसीईआरटी पढ़ दी होगी, बहुत सारे नोट्स पढ़ दिए होंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव या समरी टाइप से आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से तैयारी हो चुकी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोई ऐसी प्रैक्टिस के लिए बुक मिल जाए जिसमें क्वेश्चन बहुत ही शानदार वाले हो, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन हो, ताकि हमें उस क्वेश्चन का फुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ने को मिल सके। उस बुक में जितने भी डाटा हैं वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो और वो बुक चैप्टर वाइज हो, ताकि आपके हर एक चैप्टर के बिल्कुल अच्छे से क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको एक बहुत ही शानदार वाली बुक के बारे में, जो ज्योग्राफी की है, चैप्टर वाइज बुक है। इस बुक में टोटल 190 चैप्टर हैं, व्याख्या सहित टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन है, किसी भी क्वेश्चन की रिपीट डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन रिपीट है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इस बुक की, जो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको इस बुक का एक डेमो भी दिखाने वाला हूं, कुछ पेजेस दिखाने वाला हूं इस बुक के मैं आपको, तो आपको लग जाएगा कि ये बुक आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात की जाए कि इस बुक में हमने जो क्वेश्चन शामिल किए हैं वो हैं यूजीसी नेट के क्वेश्चन। यूजीसी नेट के जून 2010 से लेकर जून 2023 तक जितने भी पेपर हुए, इन सभी पेपरों के जितने क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने यहाँ पर इस बुक में चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाला केवल एक एग्जाम होता है, वो नेट जेआरएफ का, ठीक है। एक दो यूनिट हैं, जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी होता है वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है, या कुछ एक दो टॉपिक होते हैं जो नेट जेआरएफ के सिलेबस से अलग होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है वो नेट जेआरएफ से मेल खाता है। तो यहाँ पर ये जो बुक है इसमें जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के नेट जेआरएफ के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज तरीके से यहाँ पर शामिल हैं। तो आप ये तो आपको लग ही गया होगा कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे हैं, बहुत ही अच्छे खासे लेवल के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है ना, उसमें लगभग 40% पेपर होता है जो नेट जेआरएफ के पेपर से बिल्कुल एज इट इज रिपीट होता है, ठीक है। जो नेट जेआरएफ के क्वेश्चन होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के दो इससे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनको देखकर अनुमान लगा लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस बुक की जो सबसे खास विशेषताएं हैं उनके बारे में। देखो, इस बुक के प्रत्येक क्वेश्चन में जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। यहां पर जो प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि हमने जो प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें हमने चार जगह से कॉन्टेंट उठाया है। सबसे पहला हमने प्रेफर किया एनसीईआरटी, ठीक है, जो कंटेंट हमें एनसीईआरटी से नहीं मिला वो हमने ओपन यूनिवर्सिटी से लिया है, जो हमें ओपन यूनिवर्सिटी से भी नहीं मिला तो हमने विकिपीडिया का यूज किया, जो हमें विकिपीडिया से भी नहीं मिला तो फिर वो हमने दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से, या फिर अदर जो ऑथेंटिक बुक है जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि इन बुकों में गलत नहीं लिखा हो सकता, उन बुकों का हमने यहाँ पर यूज किया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो बुक है ना बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको बिल्कुल फुल डिटेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा, ये एक सबसे अच्छी खास बात है। इस बुक में जितने भी आंकड़ा है वो बिल्कुल 2023 के अनुसार नवीनतम आंकड़े हैं, जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी 2021 के आंकड़े हैं वो है, बाकी पुराने वाले हैं वनस्पति के, इसके अलावा वेजिटेशन से या फिर अनाज वगैरह से, या फिर जो भी
डाटा है ना वो सारे के सारे 2023 के नवीनतम आंकड़े हैं इसमें। ये इसकी एक सबसे खास बात है। ये बुक है जो मेरे खुद के द्वारा लिखी हुई है, मेरा खुद का जो ग्रुप इसे लगातार 3 बार जेरप क्वालिफाई है और पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, जो कुछ बुकों का नॉलेज था, उसी के बेस पर हमने ये बुक लिखी है। हाँ, इस बुक का हमने टोटल 3 असिस्टेंट प्रोफेसर से रिव्यू करवाया, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस बुक में हमने इस बुक को टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड किया है और टोटल इस बुक में 190 चैप्टर हैं। जैसे ये चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति हो गया, दूसरा चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गया, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समस्त क्वेश्चन होंगे, तीसरा चैप्टर वैगनर का हो गया, चौथा चैप्टर कोबर का हो गया, पांचवा चैप्टर प्लेट विवर्तनी का हो गया। इस तरीके से फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी के इसमें टोटल 26 चैप्टर हैं। फिर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में जैसे वायुमंडल का हो गया, पवन का हो गया, सूर्य ताप का हो गया, एल्बिडो को हो गया, टोटल इसमें 20 चैप्टर हैं। फिर ओशनोग्राफी की बात की जाए तो महासागरीय उच्चावच है, महासागरीय तापमान है, प्रवाल भित्ति है, इस तरीके से 11 चैप्टर हैं। उसके बाद में यूनिट नंबर 4, इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं, जिसमें आप देख सकते हो वायुमंडल है, पारिस्थितिकी तंत्र है, खाद्य श्रृंखला है, बायोमास है, वनस्पति जैव विविधता है, प्राणी जात है, सम्मेलन है, प्रदूषण है, महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दों में हमने उन शब्दों को शामिल किया है जो उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कीवर्ड है उनको। ठीक है, सिद्धांत, इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत वो एक साथ मिल जाएंगे, अन्य इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो यूनिट नंबर 5 है उसमें टॉपिक है जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन बने हैं 2010 से लेकर जून 2023 तक जनसंख्या के जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी एक साथ मिल जाएंगे, वो भी अपडेट आंकड़ों के अनुसार। नगरीकरण का है, नगर की आंतरिक संरचना जैसे बर्गट है, होयट है, हैरिस उलमैन है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है, क्रिस्टोलर है, लोस है, इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत वो सभी एक साथ हैं, बस्तियां हैं, प्रवसन है, पिरामिड है, प्रजाति है और अन्य महत्वपूर्ण। इसके अलावा यूनिट नंबर जो 6 है उसमें टोटल 23 चैप्टर हैं, जिसमें एक कृषि है, दूसरा हिटल्स का कृषि प्रदेश है, वोन थैन्यून है, औद्योगिक प्रदेश है, सिद्धांत है, वेबर है, पेरोक्ष है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल है, खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, खनिज जो आंकड़े हैं वो 2023 के अनुसार हैं, परिवहन भूगोल के सिद्धांत जैसे फ्रीडमैन का आगत निर्गत मॉडल हो गया, कृषि भूगोल के सिद्धांत हो गए, औद्योगिक स्थापना से संबंधित सिद्धांत हो गए, शहरों की संरचना से संबंधित सिद्धांत हो गए, आर्थिक क्रियाकलाप है, मृदा है, परिवहन नेटवर्क है, विकास की अवधारणा है, व्यापार है, परिवहन मार्ग है, प्रादेशीकरण योजना है, इस तरीके से टोटल 23 चैप्टर है। फिर उसके बाद बात की जाए यूनिट नंबर 7, इसमें देखो धर्म से रिलेटेड है, बोध यहाँ पर बाई मिस्टेक है, यहाँ पर जो अंदर आप देखोगे ना तो उसमें धर्म लिखा हुआ है, धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जिसमें बौद्ध धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म सभी शामिल हैं, प्रजाति है, भाषा है, संघात्मक राज्य राष्ट्र है, इसके अलावा सांस्कृतिक एकक, सांस्कृतिक समूह है, मैकिंडर का सिद्धांत है, रिमलैंड का सिद्धांत है, भू राजनीतिक है, राजनीतिक भूगोल है, महत्वपूर्ण शब्द है, मानव और समाज है, कल्याण उपागम है, परिणामात्मक क्रांति है, शहरी योजना एवं विकास है, बहुदेववाद है, अंतर्राष्ट्रीय है, सिद्धांत है, भूगोलवेत्ता है, भूगोल है, अन्य है, इस तरीके से इसमें टोटल 20 चैप्टर है। उसके बाद बात की जाए थोट में, जैसे यहाँ पर हमने टोटल 24 चैप्टर बनाए हैं जिसमें रेड जेल है, ब्लास है, स्ट्रोबो है, टोलमी है, हेरोडोटस है, हम्बोल्ट है, हंटिंगटन है, रिटर है, भूगोलवेत्ता है, भूगोलवेत्ताओं का सही कालानुक्रम देखो 2010 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चनों में भूगोलवेत्ता के कालानुक्रम से जो क्वेश्चन बने वो सभी एक जगह मिल जाएंगे, मात्रात्मक क्रांति है, परिमाणात्मक क्रांति है, मानवतावाद है, मानव केंद्रित भूगोल है, भू राजनीति है, पैराडाइम है, मेंटल मैप है, इसके अलावा व्यवहार परक भूगोल है, निश्चयवाद है, संभववाद है, संभाव्यतावाद, उद्देश्यवाद, नवनिश्चयवाद, प्रत्यक्षवाद, आधुनिकतावाद, कल्याणमूलक भूगोल है, क्षेत्रीय अध्ययन है, आदर्शवाद है, अपवादवाद है, मोक्षवाद है, इन सभी के क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 16 में मिल जाएंगे। चैप्टर 17 में भौगोलिक विचारधारा है, 18 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, 19 में जर्मन भूगोलवेत्ता, 20 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता, 21 में यूनानी भूगोलवेत्ता, 22 में अन्य भूगोलवेत्ता, 23 में भूगोलवेत्ता देश है कि कौन सा भूगोलवेत्ता किस देश से है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है सभी के सभी चैप्टर 23 में मिलेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 9, मापने से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं आपको चैप्टर 1 में मिलेंगे, मानचित्र प्रकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर 2 में मिलेंगे, बिंदु विधि से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने चैप्टर 3 में मिलेंगे, समान रेखा है, समुच्चय रेखा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन चैप्टर 4 में मिलेंगे, जितने भी
कार्टोग्राफी के, जियो टेक्निक के या स्टैटिक्स ज्योग्राफी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी उपकरण हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको चैप्टर 5 में मिलेंगे। आरेख, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख, त्रिविमीय आरेख से रिलेटेड सभी क्वेश्चन चैप्टर 6 में मिलेंगे। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, लोरेंज वक्र है, समाचरण माप है, माध्य माध्यिका बहुलक है, सैम्पलिंग है, प्रतिचयन, सहसंबंध कोल पियर्सन है, पाई डायग्राम है, लघुकरण विवर्धीकरण है, GIS है, GPS है। इसके अलावा उपग्रह से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको चैप्टर 16 में मिल जाएंगे। स्पेक्ट्रम, तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चन चैप्टर 17 में मिल जाएंगे। सुदूर संवेदन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन चैप्टर 18 में मिल जाएंगे। रोस्टर वेक्टर डाटा या रिमोट सेंसिंग से संबंधित सभी क्वेश्चन चैप्टर 19 में मिल जाएंगे। हवाई फोटो से रिलेटेड सभी क्वेश्चन चैप्टर 20 में मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण शब्दों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन चैप्टर 21 में मिल जाएंगे और अन्य 22 में मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें, यहाँ पर बात करें यूनिट नंबर 10 भारत का भौतिक प्रदेश, जैसे हिमालय के रिलेटेड जितने क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, भारत के पठार से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, भारत के मैदान से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, भारत के तट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, दर्रों के क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, भारत के जितने भी पर्वत चोटियां हैं उनके सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, नदियों के क्वेश्चन सभी एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है, नदियों के किनारे पर बसे हुए शहरों के सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, भारत के जितने भी बांध हैं, झील है, जलप्रपात है, उन सभी के क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, भारत के जलवायु के क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, भारत के वनस्पति के सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, जैव मंडल के सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, मैग्रो वन के क्वेश्चन सभी एक जगह मिल जाएंगे, मृदा के सभी क्वेश्चन चैप्टर 5 में मिल जाएंगे, कृषि, फसल, हरित क्रांति, दुग्ध से रिलेटेड सभी क्वेश्चन चैप्टर 6 में मिल जाएंगे, खनिज के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर 7 में मिल जाएंगे, उद्योगों के सभी क्वेश्चन चैप्टर 8 में मिल जाएंगे, परिवहन, व्यापार एवं बंदरगाह से रिलेटेड सभी क्वेश्चन चैप्टर 9 में मिल जाएंगे, जनसंख्या पर जनजाति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन चैप्टर 10 और 11 में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये टोटल चैप्टर बनते हैं यहाँ पर 20, ठीक है, तो इंडिया ज्योग्राफी में यहाँ पर टोटल 20 चैप्टर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल 190 चैप्टर है और ऑलमोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है इनसे, ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी को छोड़ दो, कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिकों को छोड़ दो, लगभग हम एवरेज निकाल के चले तो लगभग 90% सिलेबस है वो इससे मिल रहे हैं, ठीक है, तो 90% सिलेबस के ये चैप्टर वाइज क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये आपकी तैयारी को बहुत ही गजब तरीके से मजबूत करेंगे। भाई फिलहाल में आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चनों के लिए बुक होगी तो या तो यूथ के UGC नेट के पुराने पेपर होंगे या यूथ के TGT PGT वाले होंगे या अरिहंत पब्लिकेशन की ISPCS बुक होगी, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है नहीं। लेकिन उनमें क्या है, जैसे यूथ वाली बुक है चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं मिलेगा, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका आंसर भी आपको गलत मिलेगा। अरियंत की है वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को ही कवर करती है, वो जियोटेक है, स्टैटिक है, सोशल कल्चर है, इनको कवर नहीं करती। लेकिन ये एक ऐसी बुक है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 90% सिलेबस को कवर करती है, हर एक क्वेश्चन का आपको बिना रिपीट हुए ऑथेंटिक डाटाओं के साथ ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर आपको बहुत ही शानदार वाला डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है। अब यहाँ पर मैं कुछ डेमो दिखा देता हूँ, जैसे पहला चैप्टर हुआ महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपको एक जगह मिल जाएंगे विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। मानचित्र प्रकार, मानचित्रों के प्रकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो सभी एक जगह मिल जाएंगे। और एक इस बुक की सबसे खास बात ये भी है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें कंफ्यूज करती हैं, तो जहां जहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना उनको मैंने एक साथ लिखा है ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, आपको याद करने में भी सरलता हो। जैसे टोपोग्राफिकल मानचित्र होगा, जियोग्राफिकल मानचित्र होगा, हिप्सोमेट्रिक मानचित्र होगा, मोर्फोग्राफिक मानचित्र होगा, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र होगा, पांचों के पांचों एक जगह आ गए, ठीक है। मानचित्र के प्रकार ये चार एक जगह आ गए। उपकरण, ठीक है, देखो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, मात्रात्मक विधियां, गुणात्मक विधियां सभी एक जगह आ गई, ठीक है। अब ये उपकरण है, उपकरण का नाम मापे गए तत्व है। अब कार्टोग्राफी के जितने भी उपकरण हैं वो सभी के सभी एक साथ लिख दिए मैं, वो उपकरण किस काम में आते हैं वो भी एक साथ लिख दिया, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और इस तरीके से आपको डेस्क्रिप्टिव में कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा यूथ की, हरियंत की, मतलब इस बुक के अलावा किसी भी अदर बुक में आपको इस तरीके से पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ, पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो अच्छे से, ये इसका डेमो है और पूरी बुक में बिल्कुल ठीक इसी तरीके से है, पूरी बुक में यहाँ पर दिखा नहीं सकता, आपको भी पता है टोटल 456 पेज है इस बुक में,
अब यहां पर ये जो उपकरण है ये रिपीट नहीं है, ये अलग उपकरण है, ठीक है। तो अब जैसे दो क्वेश्चनों में आपके पिछले वाले क्वेश्चन में 15 उपकरण, इस वाले क्वेश्चन में 13 उपकरण, दो क्वेश्चनों के आपके टोटल, दो क्वेश्चनों को पढ़ने से टोटल कितने उपकरण क्लियर हो गए, 28 उपकरण क्लियर हो गए, इतने ही होंगे भाई लोगों। अब ये जितने भी हैं, अब देखो उपग्रह चैप्टर नंबर 16, उपग्रह के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे आपने उपग्रह का डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, उपग्रह के टॉपिक को समरी टाइप से पढ़ा, तुरंत इस बुक को खोलो, उपग्रह के चैप्टर के आओ, प्रैक्टिस भी करो और आप एक्स्ट्रा में भी पढ़ो, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और 100% ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ऊर्जा परियोजना, जल विद्युत परियोजना चैप्टर नंबर 14 है। अब इसमें देखो, अब ये जितने भी परियोजनाएं ये सारी सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, देख सकते हो आप बाकायदा, देखो कुछ तो यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई, ठीक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, देखो ये लिखी हुई है। हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा भाई लोगों। देखो यहां पर क्वेश्चन था वही ऊर्जा परियोजना, जल विद्युत परियोजना। अब भारत की जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं विद स्टेट विद नदी यहां पर है, कौन सी परियोजना कौन से राज्य में कौन सी नदी पर है, सारा सब कुछ है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, नाथवा झांकरी है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, टियरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, कोसी कोसी नदी पर बिहार में है, तुलबुल झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में, विद नदी के नाम के साथ है भाई। ऐसा कंटेंट आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला और कोई कोचिंग वाला भी इस तरीके का कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवाने वाला, ठीक है भाई। वो एक साथ लिख कर दे देंगे लेकिन इस तरीके से कंपेरेटिव तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो भारत की जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं सभी की सभी यहां पर है, नदी का नाम भी है, ठीक है, किस बांध से संबंधित है वो भी है और कहां पर है वो भी इंक्लूड है यहां पर। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये देख लो। अब ये देखो भारत की जितनी भी सीमाएं हैं, पर्वती सीमा अनुवर्ती सीमाएं सारा सब कुछ यहां पर है। अब देखो भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश के बीच में सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं, उत्तरवर्ती सीमा आ गई। अब उत्तरवर्ती सीमा के बारे में मैंने पहले किसी क्वेश्चन में बता दिया यहाँ पर, तो अब हमने उसका डिस्क्रिप्शन रिपीट नहीं किया, हमने कुछ एक्स्ट्रा में लिख दिया यहाँ पर ताकि आपको फिर से कुछ नया ज्ञान मिले, कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे अब ये जो सीमाएं थी उनके बारे में हमने इस क्वेश्चन में लिख दिया, तो दोबारा से हम यदि सीमाओं के डेफिनेशन बताएंगे, इन सीमाओं की विशेषता बताएंगे तो डिस्क्रिप्शन रिपीट होगा। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन में तो जो सीमाओं का वर्गीकरण था उसको समझा दिया, दूसरा सीमाओं का क्वेश्चन बना था यहाँ पर, इसमें हमने क्या किया एग्जाम्पल दे दिया कि कौन कौन से देशों के बीच में कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो ओवरऑल आपका सारा सब कुछ डिस्क्रिप्शन के लिए है। तो एक ऐसी बुक है ये जिसमें आपका बहुत ही शानदार तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि नेट जेरप के लेवल के जो नेट जेरप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के साथ मिलेगा, बिल्कुल भी रिपीट नहीं है। और सबसे खास बात प्यारे साथियों, आप पूरी बुक को पढ़ना और यदि आपको 5 लाइन भी ऐसी मिल जाए जिनको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार ये इन्होंने क्यों लिखा है, भाई मैं फीस 100% रिटर्न कर दूंगा आपकी, पूरी बुक फ्री में दे दूंगा आपको यदि आपको ऐसा लगे कि यार ये 5 लाइन इन्होंने क्यों लिखी है। यहां पर हर एक लाइन बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी स्किप करने का नहीं है, सारा सब कुछ रटने का है। अब देखो एक क्वेश्चन बना था भाषा और देश से संबंधित, यहां पर जितने भी देश है जो फेमस है जहां से क्वेश्चन बन सकता है उन सभी देशों की जो भी ऑफिशियल भाषा है ना, आधिकारिक भाषा, हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर भाई, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन के से आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जैसे ये क्रिस्टोलर से क्वेश्चन बना, क्रिस्टोलर के सिद्धांत से। अब देखो यहां से हमने शुरू किया, यहां तक लिखा, उसके बाद हमने यहां से शुरू किया और यहां तक लिखा, मतलब क्रिस्टोलर के सिद्धांत के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी, जो भी महत्वपूर्ण था, सारा सब कुछ यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया भाई। पूरी की पूरी बुक बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न के ऊपर लिखी हुई है और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कोई सी भी किताब खरीदो, अरियंत की खरीद लो, यूथ की खरीद लो, यूजीसी नेट के किसी भी दूसरे पब्लिकेशन की बुक खरीद लो, लेकिन इस बुक का इतना बेस्ट कॉन्टेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इस बुक की तरह हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले,
बहुत ही शानदार तरीके का यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन है। अब भी किताब की प्राइस की बात की जाए तो प्यारे साथियों, इस किताब को यदि आप अमेजन से खरीदते हो तो आपको 495 रुपये में पड़ेगी। मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट से खरीदते हो तो 475 रुपये की खरीदेगी पड़ेगी। अभी ये ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है नहीं, हमने इसकी केवल 2000 कॉपियां निकलवाई हैं, दो दिन में इसकी 300 प्लस कॉपियां बिक चुकी हैं। तो यदि आपका रियल में सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो आप इस बुक को जरूर पढ़ो, आपका बहुत अच्छे खासे तरीके से हेल्प करेगी। और यदि इससे पहले 2019 में जो असिस्टेंट 19-20 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी और उसका जो पेपर हुआ था, यदि वैसा पेपर आएगा ना तो वो पूरा कम से कम 80% पेपर केवल इसी बुक से बनेगा। यदि इससे जस्ट पहले वाला जो ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, यदि उसी लेवल का पेपर अब की बार भी बनता है ना तो 80% पेपर है जो केवल इसी बुक से मिलेगा, ये भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यदि आप सच में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वेबसाइटों का लिंक दिया है, आप उन वेबसाइटों के लिंकों के ऊपर विजिट करो और इस बुक को परचेज करो। केवल 2000 कॉपियां हैं, इंतजार मत करो, इससे बेस्ट बुक प्रैक्टिस के लिए ज्योग्राफी की कहीं पर नहीं मिल पाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय प्यारे साथियों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना।